प्रिय विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने कालिदास के कृतित्व पर चर्चा की थी। आज हम भारत की साहित्यिक विरासत भाग 3 के अंतर्गत महाकवि कालिदास के काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। कालिदास के साहित्य की विशेषताएं पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपक्व हुआ है, उसने साहित्य में लालित्य परंपरा को जन्म दिया। महाकवि कालिदास ने साहित्य में लालित्य को ऊंचाई प्रदान की। कालिदास द्वारा प्रस्तुत मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन के आदर्श ने भारतीय धर्म और संस्कृति को बल प्रदान किया। उनके साहित्य की अनेक विशेषताएं हैं। पहली, भाषा और छंद योजना। कालिदास के साहित्य में भाषा की परिपक्वता और अद्भुत छंद योजना के दर्शन होते हैं। कहीं भी अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। उनकी शैली और लेखन प्रवाह अत्यंत रोचक है। किसी विषय के दीर्घ वर्णन में भी शिथिलता अथवा नीरसता नहीं पाई जाती। भाषा का माधुर्य, उसकी सुकोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास और भावानुकूल शब्द चयन उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। महाकवि कालिदास छंद रचना में सिद्धहस्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में घटना एवं भावों के अनुकूल ही छंदों का प्रयोग किया। छंद योजना का उन्हें इतना अधिक ध्यान रखा कि जहाँ कहीं रस और भाव में परिवर्तन होता, वहीं उसी के अनुरूप छंद भी बदल जाते हैं। इस प्रकार कालिदास छंद रचना में सिद्धहस्त थे। दूसरी विशेषता थी, उनके विषयों में सरसता है। कालिदास ने अपनी अनुपम कल्पना शक्ति और प्रतिभा के बल पर गंभीर, दार्शनिक और शुष्क समझे जाने वाले विषयों में भी काव्य की सरसता एवं रोचकता का सृजन किया है। कालिदास ने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन ग्रंथों से अपने विषयों एवं नायक नायिकाओं का चुनाव किया और उन्हें रोचक रचनाओं में ढाल दिया। कालिदास ने ठूंठ वृक्षों और निर्जन खंडहरों में भी सौंदर्य का सृजन किया। ऋतु संहार में ग्रीष्म के तपते हुए दिनों में ठूंठ वृक्षों और जंगली झड़बेरियों में कालिदास की कलम ने सौंदर्य की सृष्टि की है। तीसरी विशेषता थी, रूपक एवं उपमाओं का प्रयोग। कालिदास का साहित्य नाना प्रकार की उपमाओं एवं रूपकों से समृद्ध है, जो पाठक को आनंद देता है। उनकी उपमाएं सजीव एवं चित्रात्मक हैं, जिनके बिना छंद सौंदर्य विहीन एवं नीरस हो जाते हैं। कालिदास ने गंगा की लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य के ताप, हिरण के चंचल नेत्र, खिलते हुए कमल का सौंदर्य, कोयल की मदभरी कूक, पपीहे की पुकार, मयूर का नृत्य, हंसों की किलोल आदि उपमाओं से अपनी रचनाओं को सजीव बनाया है। कालिदास के काव्य की चौथी विशेषता, उन्होंने अपने काव्यों में प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया। कालिदास का साहित्य प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करता हुआ चलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, भौरों की रागमयी गूंज, माधवी और केतवे की मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाले अशोक और कदंब के वृक्ष कथानक का सजीव वातावरण तैयार करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जब ऋषि कण्व शकुंतला को पतिग्रह के लिए विदा करते हैं, तो आश्रम वासियों के साथ वृक्ष एवं लताएं भी दुखी होते हैं।
पति ग्रह को जाने के लिए उद्यत शकुंतला को वृक्षों ने अनेक उपहार दिए, परंतु शकुंतला के विछोह वे सहन नहीं कर सके। मृगियों ने तृण खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पत्तों के रूप में आंसू बहा रही है। शकुंतला द्वारा पालित मृग शिशु भी शकुंतला से लिपट जाता है। कालिदास ने जिस सूक्ष्मता के साथ प्रकृति का मानवीकरण किया है, वह भविष्य के कवियों के लिए अनुकरणीय बन गया। रघुवंश में महाकवि कहते हैं, मृग सीता के दुख में मुँह से घास गिरा देते हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, वृक्षों से पुष्प गिर पड़ते हैं, सीता के रोने पर सारा वन रो रहा है। मेघदूत में भी कवि ने मानव और प्रकृति के बीच संवेदना के भाव प्रदर्शित किए हैं। प्रकृति के साथ मानव का ऐसा तादात्म्य केवल कालिदास के साहित्य में ही देखने को मिलता है। कालिदास के साहित्य की पांचवी विशेषता थी कि उन्होंने मानवीय भावनाओं का साक्षात चित्रण किया है। कालिदास की रचनाओं में मानव हृदय की कोमल भावनाओं एवं विचारों का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। महाकवि ने मानव जीवन के ऐसे गूढ़तम रहस्यों का भी सजीव चित्रण किया है जिन पर साधारण व्यक्ति की दृष्टि ही नहीं जाती। कालिदास ने मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि सहृदय पाठक उनकी रचनाओं को पढ़कर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। जब आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के हृदय में प्रेम की तरंगें हिलोड़ लेती है। दुष्यंत संकेतों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करता है, किंतु शकुंतला नारी सुलभ लज्जा के कारण नयन झुकाए और मौन रहती है। महाकवि ने नारी मन के सुकोमल भावों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। शकुंतला को विदा करते हुए समस्त संसार से विमुख होकर निर्जन आश्रम में रहते हुए वीतरागी कर्ण की पीड़ा का वर्णन कालिदास ने कर्ण ऋषि के हृदय का एक एक कोना छानकर उनकी व्यथा का वर्णन किया है। रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के पश्चात विवाहोत्सव के वर्णन में भी कालिदास ने प्रेम भावनाओं का ऐसा ही चित्रण किया है जिसमें लज्जा की मर्यादा और आतुरता के बीच एक द्वंद्व दिखाई देता है। कालिदास के काव्य की अगली विशेषता है सौंदर्य वर्णन। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति और नारी के सौंदर्य का हृदय ग्राही वर्णन किया है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा का वर्णन, रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि का तपोवन तथा त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन तथा ऋतुसंहार में षड ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन अत्यंत मनोहारी है। मेघदूत भी प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण से भरा पड़ा है। मालिनी की रेती में खेलते हुए हंस युगल, पर्वत की तलहटी में मृग के सींग से आँख खुजलाती हुई मृगी और वृक्षों की शाखाओं पर सूखते हुए ऋषि के वलकलों से प्रकृति का सौंदर्य मानो मुँह से बोल उठता है। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ कालिदास का नारी सौंदर्य वर्णन भी मनमोहक है। महाकवि ने कुमार संभव में पार्वती के सौंदर्य का नक्षिक वर्णन किया है। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के यौवन और सौंदर्य का वर्णन हुआ है। कवि कहता है कि शकुंतला को बनाने से पहले ब्रह्मा ने उसे चित्त में परिकल्पित किया होगा। मेघदूत में यक्ष मेघ से अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि ने नारी के बाह्य सौंदर्य को प्रधानता न देकर उसके शुभ गुणों के सौंदर्य को प्रधानता दी है। अतः कालिदास ने सौंदर्य के साथ साथ मर्यादा का भी पालन किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कालिदास की रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कालिदास न केवल अपने समय के, न केवल संस्कृत साहित्य के, अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य के
कालजयी कवि एवं नाटककार थी। धन्यवाद।